हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए हेल्दी और ग्लोइंग फ्लैक्सीड्स का वीडियो लेकर आई हूं, जो हमारी हेल्थ के लिए भी बेनिफिशियल है और साथ में हमारी स्किन को ट्रांसफॉर्म करने की ताकत रखता है। हमारे किचन में रखा हुआ ये फ्लैक्सीड किसी भी खजाने से कम नहीं है। ये हमारे चेहरे पर होने वाले भूरे रंग के जो दाग होते हैं, मलाजमा या जिनको हम झाइयाँ बोलते हैं, उनको ख़त्म करने की पावर रखता है। तो इसको मैंने 4-5 साल से यूज किया है और मैंने अपने चेहरे पर पिगमेंटेशन को रिड्यूस करने में काफ़ी मेरी हेल्प की है। तो फ्लैक्सीड्स को आप यूज़ कर सकते हैं अपनी डाइट में। इनको खाएंगे तो आपके चेहरे पर कभी भी ग्लो कम नहीं होगा, स्किन टाइट भी रहती है और मलाजमा और झाइयाँ कभी भी नहीं आती हैं। इसके अंदर हेल्दी ओमेगा फैटी एसिड्स होते हैं, हेल्दी प्रोटीन होता है, जो हमारी स्किन को नरिश भी करते हैं और हमारी स्किन को ग्लोइंग और टाइट बना के रखते हैं लॉन्ग टाइम तक, और हमारी स्किन पे एक फ्लॉलेस और ग्लोइंग लुक आता है। तो फ्रेंड्स, आप फ्लैक्सीड्स को रोस्ट करके डेली अपनी डाइट में 1 या 2 चम्मच खा सकते हैं। गुड़ के साथ खाएं, आप इसको दही में 1 या 2 चम्मच डाल सकते हैं। इसका पाउडर मैंने पीस लिया था। तो आज की हेल्दी रेमेडी हमारी फ्लैक्सीड्स की होने वाली है। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम लेने वाले हैं मुल्तानी मिट्टी पाउडर, फ्लैक्सीड का पाउडर है, और मैंने बादाम का मिल्क लिया है। जो बादाम की ड्रिंक मैंने बनाई थी पीने के लिए, तो उसको ही मैं इसमें यूज़ करने वाली हूँ। बोल में सबसे पहले आपको 1 चम्मच मुल्तानी मिट्टी पाउडर लेना है, जो समर के लिए बेस्ट मानी जाती है। और उसके बाद मैंने इसमें थोड़ा सा वाटर डाला है, आप चाहो गुलाब जल डाल सकती हैं। वाटर डालने के बाद मुल्तानी मिट्टी पानी को अच्छे से सोख लेती है, जिसका पेस्ट बनना ईजी हो जाता है। और ये घर पर पिसी हुई है, थोड़ी ही दरदरी थी, इसीलिए मैंने इसको पानी में भिगोया है। गुलाब जल आप डाल सकती हैं। तो ये बादाम मिल्क मैंने घर पे बनाया था, इसी को मैं डालूंगी। बादाम की गुडनेस, विटामिन ई की गुडनेस हमें मिले। ये मैंने 1/2 चम्मच फ्लैक्सीड पाउडर जो पीसा था वो डाला है, जो हमारी स्किन को लाइटन करता है, ब्राइटन करता है। डार्क स्पॉट हो, एक्ने हो, और स्किन पे टाइट करने की पावर है इसके अंदर। और ये मैंने बादाम का मिल्क इसमें मिला लिया है। रो मिल्क हर एक स्किन टाइप को सूट करता है। इसको आपको अच्छे से मिक्स कर लेना है। मैंने फ्लैक्सीड को काफ़ी खाया है, क्योंकि जब हम अंदर से अपनी डाइट को हेल्दी खाएंगे तो हमारी स्किन पे ग्लो आता है, लेकिन साथ में जो बाहर से हमारी स्किन पिगमेंटेशन होती है धूल मिट्टी से, पोल्यूशन से, रफ़ या डैमेज हो जाती है। तो आपको ये अपने फेस पर लगाना है 15-20 मिनट के लिए, और उसके बाद अपने फेस को नॉर्मल पानी से धो लेंगे और मॉइस्चर जरूर लगाएं। सो फ्रेंड्स, आई होप यू लाइक इट एंड आप इसको अप्लाई ज़रूर करेंगे और आपको भी मेरी तरह फ़ायदा मिलेगा। ऐसे ही हेल्दी रेमेडीज़ के साथ मैं फिर आती हूँ। थैंक्स।